सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सेयाक के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से, किसी को नहीं बताएगा ना। अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी, किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक मंत्र बीज राई के दाने जितना होता है किलो मीटर में फैला कर उसको होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा गाय बिंदी निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या श्लोक लगता है, अंग बोलो मैंने अब वो लय नहीं बनती है तुम्हें। तो हमारे ऋषियों ने तरीके बताया क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्रिय लगनी चाहिए क्रह ने क्री, एक ही मात्रा में लगेगी राधा तत्व सामिल रहेगा और राधा बिना कृष्ण राधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शर्म संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गईं, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। उन सिद्धियों की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी दौरान त्रिगुणमयी माया से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे ब्रह्मा विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था, उसका हर अंग निरंतर गतिमान था, क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीन ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ यानी पश्चिम दिशा में पूर्व की तरफ मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। दो चार कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हें कैसे मार सकता हूं। उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गईं। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38वां 39वां 40वां तीनों श्लोकों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्टपुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे क्या काम हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का सहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं क्या हूं, कौन हूं? एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार
उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया, कोई काम ना होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं उस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इससे पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा, और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा, आपके विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया, परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहां सफलता नहीं मिली। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी, उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठधर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है, केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं। मेरा सोचना गलत था, असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। उपर्युक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से
प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? मेरी हठधर्मिता चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूं। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा, उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्भूत करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकलें तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी, जिसका शीर्षक है शर्म संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव श्री मंगाई नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।
6 सेशन हमारे रोज समय और संडे के दिन 4 सेशन हो जाते हैं। वैसे डेली 2 सेशन चलते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच और ध्यान किया जाता है शाम, और शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव के प्रचार के बारे में जो विधि है गुरुदेव ने बताई है उसके बारे में बताया जाता है, और फिर गुरुदेव की कर कमलों से लिखी विधि भी लेखनी का पाठन गुरु भाई बहन करते हैं और उसका आनंद सभी गुरु भाई भाई लेते हैं। और उसके बाद जो भी गुरु भाई बहन जिसकी भी अनुभूति है जिज्ञासा है इस मंच पे साझा करते हैं और सभी आनंद लेते हैं। एक संडे को ही सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन चलता है, इससे बच्चों की आध्यात्मिक मानसिक विकास और गुरुदेव कहते हैं स्पिरिचुअल मेंटल और तीनों प्रकार की जो आदि दैविक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों प्रकार के उसके उत्थान होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। और शांत संडे को ही इंग्लिश का सेशन चलता है जो देश विदेश से भी सभी जुड़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं, जिसको देख प्रचार में सहायक होते हैं। कोई भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकता है, संचालन भी कर सकता है, लॉग इन भी कर सकता है जिस भी सेशन में बच्चों के में या इंग्लिश में या इन दोनों चैनलों में। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, आए आगे बढ़े और गुरुदेव को प्रचार करने में और एक नया मौका मिलता है हमें, जो हम झिझक कर तो बोलते हैं शायद धीरे धीरे हमारी बोलने की हैबिट भी हो जाती है, बेझिझक भी होते हैं, ये हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है। इसे मैं जो भी अब नए गुरु भाई जुड़े हैं तो उनका स्वागत करती हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दीजिए और अपनी आध्यात्म आनंद कैसे चल रहा है उसके बारे में आगे इस मंच में सभी गुरु भाई बहनों से साझा कीजिए, जिसका आनंद सभी ले और उससे कोई मोटिवेशन और नए साधक है जिनको मोटिवेशन की जरूरत है वो उसका लाभ ले सके। और पुराने गुरु भाई भी जैसे इनकी अनुभूति है इस है जैसा है वो भी इसके मंच पर साझा कर सकते हैं। तभी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। राम मूर्ति यादव, जय गुरुदेव गुरुवर, स्वागत है। जय गुरुदेव। भाई संक्षेप में अपना परिचय दीजिए और किस प्रकार आपकी आध्यात्म यात्रा चल रही है, कैसे जुड़ना हुआ है, कहाँ से जुड़ते हैं? मैं दिल्ली से और पिछले महीने से गुरुदेव से जुड़ा हूँ। यूट्यूब पे देखा था गुरु जी के ये वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं जुड़ गया। इससे पहले भी मैं और कई जगहों पे गया हुआ था, कई गुरुओं से जुड़ा था लेकिन मुझे मानसिक शांति कहीं नहीं मिली थी। तो गुरु जी की वीडियो पे ये देखा मैंने तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि सच्चे गुरु यही है, तो पिछले महीने से मैं गुरुदेव से जुड़ी। गुरु भाई वैसे कोई बीमारी वगैरह कुछ ऐसी थी नहीं, वैसे आनंद के लिए या फिर अध्यात्म के लिए जुड़े हो आप? अध्यात्म के लिए जुड़ा, किसी बीमारी के लिए। फिर आपके कैसे अनुभव है एक महीने के दौरान, कैसे कैसा आप आनंद मिला उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अनुभव मेरे बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे मैं सुबह और शाम ध्यान करता हूँ तो बॉडी में एकदम वाइब्रेशन होती है और बॉडी ऐसे हिलने लगती है और कभी कभी जैसे बंद भी लग जाते हैं, जैसे मूल बंद और उद्यान बंद लगे और हाथों पैरों से काफी गर्मी कभी महसूस होती है। और परसों मुझे मतलब भौरे की आवाज भी सुनाई पड़ी थी तो वो आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। कंटिन्यू चल रही है गुरु भाई या उसी दिन सुनाई दी थी? नहीं, परसों ही खाली सुनाई पड़ी, उसके बाद नहीं सुनाई।
ये नाद है, कभी सुनता है कभी नहीं सुनता, कहीं से कंटिन्यू रहती है, धीरे धीरे कंटिन्यूटी में भी आ जाती है ये चीज, है ना। नाद का ही ऐसे हो गई भावरा भी, गुरुभाई भी किसी को पहले थोड़ा दिन सुनाई देता है फिर बंद हो जाता है, फिर बाद में कंटिन्यू सुनाई देता है। दो बार सुनाई पड़ी थी और अच्छे अनुभव रहे, जैसे ध्यान करता हूँ तो मतलब ध्यान लगता है, काफी अच्छा लगता है, ध्यान से उठने का दिल ही नहीं करता, घंटे हो जाते। आज के इस दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव ने कहा है ना कि तुम्हें अच्छा आनंद का आनंद दिया है, ये आनंद ही है जो हमें मिल रहा है, मन पहले के जीवन में अब के जीवन में कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया, एकदम मानसिक शांति मिल गई थी, ये आनंद पहले था ही नहीं गुरुदेव के ना, अब तो भौतिक सुख दुख के कोई ही आनंद कह रहे थे, वास्तविक आनंद तो ये है। और अभी आनंद तो क्या, अभी थोड़ा सा देते हैं गुरुदेव आनंद की सिर्फ, तो और भी चरम है जिसका तो आनंद बखानी नहीं किया जा सकता, अगर पूरे आनंद में दे देंगे तो हम गृहस्थी कैसे चलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रसाद देते हैं आप लोग। भाई एक महीने में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है आपकी, दोनों बंद लग गए, मूल प्रधार बंद भी और उड़ियान बंद भी, नाद भी सुनाई दे रहा है जी। मंत्र जाप कितना करते हो आप, कैसे नए साधकों को कैसे मोटिवेशन करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या कहना। मंत्र जाप तो जब भी टाइम मिलता है चलता रहता है, मैं करता रहता हूँ, अभी आज ऐसा नहीं लगा है तो ऐसे मंत्र मैं करता रहता हूँ, और सुबह शाम दोनों टाइम मतलब ध्यान करता हूँ, केचरी मुद्रा भी दो तीन बार मैं आप लग चुके हैं, केचरी मुद्रा की भी आनंद ले चुके हैं आप गुरु भाई, गुरुदेव ने तो आपकी जोड़ी में सब कुछ डाल दिया है, आपका क्या कह लिए गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है जी गुरु भाई, एक महीने के अंदर इतनी कृपा शायद हम जैसे को तो नहीं मिली जी, एक महीने से तो बहुत कृपा है, इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि मतलब इतनी जल्दी इतनी बड़ी गुरुदेव की कृपा मिल जाए। सही में गुरुदेव तो अपने आप देते, पता किसकी झोली में क्या डाल दे पता ही नहीं जी। और गुरु भाई घर में कौन और कोई भी जुड़ रहे हैं, फिर आप ही जुड़ रहे हैं? फैमिली से तो मैं ही जुड़ा हूँ, पत्नी है उन्होंने पहले से मतलब दूसरा गुरु शुरू से मतलब कर रखा है। गुरु भाई आपने भी तो पहले बहुत गुरुओं के पास गए हो जी, बहुत कम से कम 10-12 गुरुओं के पास गए, कहीं छह महीने रुका, कहीं साल, तो साल से ज्यादा कहीं पे टिका ही नहीं, पर इतना आनंद नहीं आया होगा। नहीं इतना आनंद नहीं होगा, असली जगह पे गुरुदेव लाना चाह रहे थे इसलिए तो टिक नहीं पाए, गलत दिशा में जा, गुरुदेव को तो पता है हम किस दिशा में जा रहे हैं, गुरुदेव ही पकड़ के लाए हैं, गुरुदेव पकड़ते हैं सबको, कैसे नहीं कि जैसे बकरी को चराने के लिए मार जाते हैं ना घेर के लेके आता है, वैसे ही गुरुदेव हम सबको बकरियों को लेके आए हैं और बाड़े में चराने के लिए छोड़ दे क्या बजाते, जीवन का जो घास है उसको चरो और आगे बढ़ो, जी उठाते अपन अपने से जुड़ने वाले भी नहीं है, अपन किसी को जोड़ने चाहे जबरदस्त उसको नहीं जोड़ सकते, गुरुदेव की छत भी कर नहीं जोड़ सकते, कैसा भी माध्यम बनाओ गुरुदेव बढ़ाते हैं अपने आप। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु भाई इस अध्यात्म विज्ञान के बारे में? लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सबसे अच्छी जगह है
अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए और जीवन मरण के चक्कर से छूटने के लिए इससे अच्छा गुरु दुनिया में शायद नहीं मिल सकता। जो भी अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहता है वो गुरु जी से, गुरु के चरणों में आया, गुरु जी से जुड़े। एक बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जुड़ के देखें जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पैसा नहीं है। बाकी मैंने देखा जितने भी गुरु हैं 99% बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस है। इसलिए असली ज्ञान वो या तो उनके पास है ही नहीं, या है तो देना नहीं चाहते। उनका मकसद सिर्फ पैसे पैसे कमाना। गुरुदेव कह रहे हैं मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा मिशन है। कहीं लॉस हो जाएगा ये मेरा घाटा नहीं है, मेरा तो मिशन है, ये अनवर चलता रहेगा। अब गुरुदेव का धंधा तो है नहीं जिसको डर लगे किस चीज का। गुरुदेव का तो ये मिशन है, चलता रहेगा। और अनुभूति है तो गुरु भाई बताओ, साझा करो। और अनुभूति तो मतलब ये बॉडी में मतलब हलचल होती रहती है, और कभी कभी बॉडी के जैसे पीठ में एकदम ठंडक सी महसूस होती है, कभी पैरों में बहुत ठंडा लगता है एक पॉइंट पे, यहाँ सिर पे के पीछे काफी मतलब आज सुबह मतलब ठंडक सी महसूस, बहुत अच्छा लगा। गुरु भाई बहुत अच्छे आनंद की स्थिति चल रही है, और जब होता है ना एकदम अलग से महसूस, इतनी खुशी होती है। आज यहाँ कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है, आज ये प्रोसेस चल रहा है। बहुत खुशी महसूस होती है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो शायद एक समय आएगा तो इस भवसागर को पार कर ही जाएंगे, ऐसे लगे रहे। गुरुदेव हमारे पर कृपा करे रहेंगे तो जी। और कुछ अनुभव गुरु भाई? अभी तो इतनी ही है, 2 महीने में बहुत कुछ मिल गया है। इतनी आपने तो इतना हमने देखो नहीं भी नहीं किया, कितना गुरुदेव हमें झोली में डाल दिया है। उम्मीद से ज्यादा ये गुरु जी ने कृपा कर दी है जी। गुरु भाई शायद स्वागिता गुरु बहन भी कुछ पूछना चाह रही है, शायद आपसे पूछने या कोई आंसर। स्वागिता गुरु बहन आपका स्वागत है, थोड़ा माइक अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव गुरु बहन जय, स्वागत है गुरु जी। जी गुरु बहन, मुझे आज मेडिटेशन के वक्त बहुत योगी क्रिया हुई और बाल कृष्ण के दर्शन हुए, मैं उनको दर्शन किए। बहुत अच्छा अनुभूति है, बहुत मेडिटेशन के पूरा वक्त ही बाल कृष्ण जी दर्शन, बहुत सुंदर रूप था दर्शन हुए, बहुत सुंदर थे। इसकी व्याख्या तो आप ही कर सकते हैं गुरु बहन, हमको दर्शन दिए कितने अच्छे दिए। जी जी, बाल कृष्ण के रूप का दर्शन दिए, इसका आनंद तो आपने उठाया है जी। आज मैं गुरुदेव की प्रवचन सुन रही थी तो एक वीडियो में गुरुदेव ने बोले कि लक्ष्मण रेखा जो मंत्र की लक्ष्मण रेखा है वो अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं टेकल नहीं करूंगी बोल रहे थे। तो मैंने पहले ना जानकर बहुत लोगों को ऐसे कह दी थी, तो गुरुदेव से नाराज तो नहीं होंगे? ना जानकर माफी मांगती हूँ अभी कि मैंने ना जानकर कह दी थी। क्या हुआ गुरु भाई, समझ में नहीं आया जी?
आप क्या कह रहे हैं कि कुछ गलती होगी थी, क्या गलती होगी आपसे? मतलब कुछ मंत्र मैंने मुख से बोल कर कह दी थी, मुख से बोल कर। गुरुदेव की स्पीच में अलग अलग सब कुछ है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना, जो हो गया हो गया, आगे ध्यान रखना और मंत्र जाप करते रहना और आध्यात्म आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, गुरुदेव सब जानते हैं हमारा, बस हर रोज गुरुदेव का शुक्रिया अदा करना है कि एक जीवन को मिला आध्यात्म बढ़ने के लिए। अच्छा लगता है, और अनुभव हो आपका? अभी तो कोई अनुभव नहीं है, सपना में अब याद नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है क्या मुझे अनुभव हो तो साझा की सभी को। और कोई गुरु भाई बहन ने अनुभूति? सावित्री मीणा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु बहन आपका। जय श्री कल्कि सभी बहन भाइयों को। जय श्री कल्कि। आज की मेरी छोटी सी अनुभूति है, अभी मैं ध्यान कर रही थी ना सब को, तो लाइट चल गई, लाइट जाते गर्मी बहुत गर्मी हो रही थी, सब उठ उठ के मेरे साथी जो बैठे हुए थे ना, सामूहिक ध्यान करते हैं सब परिवार वाले बैठ के, सब उठ के चले गए। मैं गुरुदेव से मतलब मेरे ऐसी ठंडक हुई बहन, ऐसी हुई जैसे ऐसी चल रहा है, इतना ठंडा महसूस किया मैंने ध्यान के टाइम, जैसे मैं एसी में बैठी हूँ, इतनी सी अनुभूति है बस। और एक दिन मेरे को ध्यान में ऐसी पुराने जैसे पुराने पुराण किताबें होती है ना, ऐसी पीले अक्षरों की ऐसी बड़े बड़े ग्रंथ मेरे को ध्यान में दिखाई दिए, देव पढ़ते होंगे पहले आश्रम में, ऐसे ग्रंथ ध्यान दिखाई दिए बस। और तो बाकी आनंद ही आनंद है गुरुदेव के साथ साथ रह के। और एक और है, मेरे मुंह में छाले हो गए थे, मैंने जैसे कि परेशान थी, दवाई ववाई ले ली मैंने, मेरे गुरुदेव में तो दवाई नहीं लू, तो शाम को प्रार्थना की मैंने, तो सुबह तो मेरे अभी ठीक हो गए। गुरुदेव हाँ, गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, समर्पण यही बस, देव सब कुछ गुरुदेव अपने आप करा लेते, गुरुदेव की कृपा होती, सारा समर्पण वगैरह विश्वास सब कुछ एक पल में करा लेते गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सावित्री मीणा गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु है, स्वागत है। सावित्री जी का हो गया, अब ममता जी है, उसके बाद मनोरमा जी भी है, उल्टा फूल सभी तीनों बाने हैं आज, लाइन से लगी हुई। मनोरमा गुरु बहन को बोले दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है सर। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। आप गुरबानों से निवेदन है, कृपया कैमरा भी ऑन कर ले बहन, ताकि दुनिया देखती इस प्रोग्राम को, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं अपनी अनुभूति साझा करना चाहूंगी। एक तो जैसे आज की अनुभूति है मेरी, आज की क्या मतलब, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और आज है माई का मैथ्स का एग्जाम, और मैंने गुरुबहन मैथ्स जो है मतलब 2000 में, उसके बाद मुझे मतलब मैंने कभी इनको नहीं पढ़ाया मैथ्स, मेरे हस्बैंड ही करा सकते थे, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे कराऊंगी क्या है। आज जो मतलब चैप्टर था ना, मतलब वो कोष्टक वाले सवाल नहीं थे जिसमें बहुत सारे कोष्टक होते हैं, मतलब
ब्रैकेट जितने भी होते हैं सारे वो मैंने मतलब 2000 के बाद आज ही देखा है। तो आज जब मैं इसको कराने लगी तो देखे गुरु भाई मैंने मतलब जब 10th क्लास में जब किए होंगे तब भी वो मुझे नहीं आए थे जितने अच्छे आज आए। मतलब गुरुदेव इतने अच्छे से कोई चीज अंदर से समझा रहे थे ना, मैं सोच रही थी मैं कैसे कराऊंगी क्या करूंगी, क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी लेते थे बच्चों के लिए, बाकी तो मैं सब देख लेती हूँ। लेकिन आज मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी गुरु बहन अंदर से, मतलब रात को भी और सुबह भी मतलब मैंने करा करू के सारा मतलब मुझे अच्छे से आ गया एकदम। जो मैंने अब सोचिए 24 साल हो गए उस चीज को देखा होगा, तब भी वो चीज मुझे नहीं आती थी, मान लो आज इतनी क्लियर मुझे वो आई। तो मतलब बाहर हम ढूंढते हैं लेकिन वो हमारे अंदर। इनको आप अपने साथ रखें हर काम में। और एक और अनुभूति है मेरी, मतलब हो गया 1 वीक हो गया होगा मेरे, क्या है मतलब पहले डायबिटीज था, मतलब हुआ था, तो अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब 5-7 दिन हो गए थे बहुत ज्यादा, मतलब सोते उठते हैं तब भी सोते हुए भी मतलब थुनने से हो रहे थे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैं पेन किलर ले रही थी 3-4 दिन से, प्लस डाइक्लोफेनिक जेल पेन रिलीफ। फिर मैंने सोचा क्या पता वापस आ गया वो टेंशन की वजह से, इनकी वजह से। तो मैंने शुगर टेस्ट करवाया जाके, मेरा शुगर एकदम नॉर्मल। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना नहीं की भाई गुरुदेव ये तकलीफ मेरी दूर करे। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी 3-4 दिन बाद, तो वो एकदम मतलब नॉर्मल। मैं सोचती थी जरूर मतलब वापस से आ गई होगी वो चीज। तो गुरुदेव तो मतलब ये जो सांसें है ना, ये आवाज है ना, ये गुरुदेव की है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुदेव के मिशन में कितना हम कुछ कर पाते हैं ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन ये आवाज ये सांसें ये जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का है, नहीं तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आवाज भी निकल सकती है। तो ये सिद्ध योग तो मतलब ऐसी चीज है जिसको मतलब शब्दों में बयां व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ऐसे तो आप मतलब जैसे गुरुदेव ने गूंगे का गुड़ कहा है ना कि गूंगे आदमी को गुड़ खिला दो वो बोल नहीं सकता, तो वही चीज इसमें है कि जो करेगा उसी को इसका पता चलेगा। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरुबहन। गुरुदेव हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुदेव सब कुछ पता है हमारा, कैसे हमें मनोबल उठाना है, कैसे उठाना है, उससे बेस्ट तो कुछ जान भी नहीं सकता। बहुत अच्छी अनुभूति। ममता मीणा गुरु में स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। मेरी अभी की अनुभूति गुरुबहन, अभी जो ध्यान करे मैं ध्यान में मतलब जोधपुर के आश्रम में पहुंच गई करते करते, और मतलब वहां मतलब मैं जैसे कि पीछे मुड़ती हूँ ना वहां तो गुरुदेव तत्व के सामने बैठ के ध्यान करती हूँ जोधपुर पे, तो मतलब पीछे जब मुड़ती हूँ ना तो एक गाय खड़ी रहती है गेट पे ही, जो बड़ा दरवाजा है ना बाहर अंदर जाते हैं स्टार्टिंग में मेन गेट होता है, हाँ वहां पे गाय खड़ी रहती है। उसके शरीर में मुझे सारे देवता ही दिखाई देते हैं ध्यान के दौरान, होता है वो पूरे देवता मिलके गुरुदेव बन जाते हैं, वो गाय गुरुदेव बन जाती है। बहुत अच्छी अनुभूति है। गुरुदेव हमारे हिंदू धर्म में भी माना गया ना गुरुदेव 36 करोड़ देवी देवता है, तो उसमें मेरे ध्यान में मतलब गाय मतलब ऐसे ही आ रहे हैं ध्यान में। एक दिन पहले मतलब हाथी आया था, पहले गाय आई, ऐसे आते हैं मतलब ध्यान के दौरान। पहले क्या क्या आया था? हाथी आया था बिल्कुल ब्लैक कलर का परसों, हाँ अभी सुनाया था मैंने सेशन शाम के समय, इसी समय शाम का जब ध्यान कर रही थी। हाँ हाथी तो मेरे भी ध्यान में आया था पर भूल जाते हैं, पता नहीं कब आया था। यही अनुभूति बोलना चाह रहे थे।
हाँ वो मैं बोल रही थी कि मतलब मैं कुछ टाइम पहले मतलब गुरुदेव से थोड़ा यूं हो गई थी, मतलब ध्यान नहीं कर पा रही थी, शेड्यूल बिगड़ गया था ऐसा, तो मतलब तबीयत चलती रहती थी तो वैसे मैं ध्यान भी दे नहीं पा रही थी। वापस से पता नहीं क्या है कि गुरुदेव सपने में आते और बोलते कि ध्यान क्या करो। जब से मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं सुबह शाम, और सुबह भी मेरी नींद नहीं खुलती थी, अब तो मेरी डेली मतलब 5:15 होते हैं, 5:12 होते हैं, 5:13 मतलब फिक्स टाइम नहीं होता, उससे पहले मैं नींद खुल जाती हूँ और ध्यान पे बैठ जाती हूँ। बस मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अभी भी मतलब कल परसों जाँच करवाई थी, ऐसे मतलब दिखाने गई थी तो तबीयत ठीक ही हूँ। मंत्र जाप करोगे तो सभी प्रकार की बीमारियां चाबी बोला है, तो मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा हमें, बीमारी है तो सघन मंत्र जाप करना पड़ेगा, और भी सघन करना पड़ेगा। एक छोटी सी समय तो हो गया, हम क्षमा चाहती हूँ, एक छोटी सी अनुभूति है मेरी है, मैं सुनाना चाहती हूँ। परसों के दिन रात में ही जैसे मैं सो गई थी और फिर मेरी आंख खुल गई थी, मैं आंखें बंद करते करते मंत्र जाप कर रही थी, तो इसे आसमान में बादल है उसमें नारद मुनि हाथ में वीणा, बाजू में जो फूलों की माला है, चुटी है, वेणी है, वैसे के सेम दृश्य दिख रहा, और जो नारद मुनि है उसका चेहरा नहीं, वो चेहरा मेरा खुद का दिखाई दे रहा है मुझे, ये नारद तो है पर ये चेहरा मेरा है, उसके बाद पता ही नहीं मुझे क्या हो गया इतना। तो मेरे को मैं ये कह रही हूँ मुझे खुली, मैं होश में हूँ, नींद नहीं है, आराम से मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे को ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे, ये मेरी अनुभूति है, बड़ी है जैसे भी है, बड़ी भी है। और आज का भी समय हो गया, मैं हिंदू भाई साहब का स्वागत करती हूँ इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समापन की होने के लिए। स्वागत है गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई स्वागत है आपका। निंगू जी गुरु भाई नहीं है क्या? नहीं नहीं आप करिए। निंगू जी गुरु भाई आज ही रहो। चलिए ठीक है मैं कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव आप सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। वो प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय। दादा गुरु गंगानाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, जय श्री कल की, हर हर कल की।